हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिक बड़ीज़ सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन्स के बारे में सो so, बहुत से बिगनर्स के अंदर ये डाउट रहता है कि लाइक वैर वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है वो ग्लोबल स्कोप्ड होता है एंड देन लेट और कॉन्स्ट हमारे ब्लॉक स्कोप्ड होते हैं बट द रियलिटी इज द वैर वेरिएबल डिक्लेरेशन इज़ नॉट ग्लोबली स्कोप्ड एंड वी आर गोइंग टू सी लाइक वॉट आर द स्कोप्स ऑफ दी लेट वैर एंड कॉन्स्ट ओके एंड वॉट आर द यूज ऑफ द लेट वेर एंड कॉन्स्टक्विटली इन दिस वीडियो सो आई हैव ऑल माई थिंग्स रेडी है एज यू कैन सी तो लेट्स स्टार्ट तो होता क्या है कि हमारा जो वैर वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो हमारा जब से जावा सिर्फ स्टार्ट हुई है फ्रॉम द ईयर नाइनटीन नाइन्टी फाइव तब से हमारे पास अवेलेबल है ठीक है इसको यूज़ करने के लिए हम लोग लिखते हैं वी ए आर फॉर वेरिएबल तो ये है क्या ये एक्चुअली जब को बताता है कि हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने वाले हैं ठीक है तो हम लोग ने ये की वर्ड यूज कर लिया वेर एंड देन वी राइट दैरिएबल नेम जो कि हमें यूज करना है ओके सो लेट से फर्स्ट नेम एंड लेट सोर्स नेम लेट से राज Uh, what is the use of it why we use var variable declaration so with the help of var variable declaration there are few benefits like we don't have to re uh, create the variable with the same name what we can do if you want to change the value of the same variable we simply use the variable name and then we reassign the value okay we don't have to declare it again with the var variable declaration and we have to store some different value we can simply use its name and then we can reassign the value okay so it was introduced in or we can say it was available from 1995 till 2015 okay and it is obviously available now but we don't we actually avoid using it okay now on the other hand in 2015 or we can say es6 वी गॉट टू न्यू वेरिएबल डिक्लेरेशंस ओके तो लेट और कॉन्स का यूज क्या है और ये इंट्रोड्यूस क्यों किए गए ठीक है वो अब हम लोग देखते हैं तो लेट बेसिकली हम लोग यूज करते हैं इन केस हमें कोई वेरिएबल की वैल्यू लेटर इन दी कोड रीअसाइन करनी है और चेंज करनी है सो लेट सी एन एग्जाम्पल ठीक है सो ये हमारा कीवर्ड है Which we use to declare a variable with let, and then we assign some name. Let's say last name, and then we assign let's say uh David. Okay, so and yeah guys, this is also a last name which I have seen most of the people have, so I prefer to use it, okay. So what we can do, we don't have to. Uh, again declare the same variable with the let variable declaration and we can simply use the variable name like so and then we can reassign to whatever value we want okay now if you check its value okay we i think we cannot copy it here so let's log it quickly okay so now if you log its value you will get the latest stored value of the variable okay and on the other hand we have const variable declaration. so const variable declaration में क्या होता है कि आपको एक variable इसमें बनाना होता है ठीक है जिसमें आपको इनिशियली कोई वैल्यू सेट करनी ही होती है let's से आपका नाम है let's से आपकी बर्थ डेट है बर्थ ईयर लेते हैं ठीक है बर्थ ईयर है हमारा 1995 तो जाहिर सी बात है आपका बर्थ ईयर तो चेंज हो ही सकता है ना डॉक्यूमेंट्स uh, आप में आप करा लो तो वो अलग चीज़ है लेकिन एक्चुअल में आपका बर्थ ईयर तो चेंज हो नहीं सकता जब आप पैदा हुए है उस डेट को आप कैसे चेंज करा सकते हो राइट right. तो सेम चीज़ आप यहाँ पे लेके चलते हैं कॉन्स में अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं तो उस वेरिएबल को आप कोई वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते ठीक है अगर हम इसको कुछ और वैल्यू स्टोर कराने की कोशिश करते हैं देन वी विल गेट एन एरर असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स एट स्क्रिप्ट जे एस लाइन नंबर सेवनटीन जो कि हमारी ये लाइन है ठीक है तो नाउ यू वाइज विल आस्क लाइक विच विच वन वी शुड यूज लेट और कॉन्स्ट तो इट डिपेंड्स अपॉन यू इफ यू फील लाइक यू हैव टू चेंज द वेरिएबल्स वैल्यू लेटर इन द कोर्ट लाइक और देर इज अ प्रॉबिलिटी और चांसेज ऑफ द वैल्यू टू गेट चेंज देन यूज और गो विद द लेट अदरवाइज़ इफ़ यू थिंक लाइक द वैल्यू विच यू हैव स्टोड इट इज़ नॉट गोइंग टू बी चेंज लेटर इन द कोड दैन ऑब्वियसली यू शुड क्रिएट द वेरिएबल विद द कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेशन ठीक है क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी आप वेरिएबल की वैल्यू कोड में चेंज कर देते हैं लेटर कोड में और आपको ध्यान भी नहीं होता कि आपने कहाँ पर कौन सी वैल्यू चेंज की है और जब एंड में आप उस वेरिएबल को यूज़ करते हैं और आपको आपके एक्सपेक्टेशन के जस्ट अपोजिट वैल्यू मिलती है तो यू यू गेट कन्फ्यूज लाइक वाई इट इज गिविंग दिस वैल्यू ओके सो उन एरर से उन केसेस से आपको बचाने के लिए हमारा कौंस वेरिएबल डिक्लेरेशन आया ठीक है ठीके? तो क्विकली बात करते हैं स्कोपिंग की तो आ, लेट और कौंस वेरिएबल्स हमारे 2015 में आए हैं ठीक है तो ये हमारे ब्लॉक स्कोप वेरिएबल्स हैं इनका स्कोप ब्लॉक है और जावास्क्रिप्ट में ली ब्रेसेस ही हमारा ब्लॉक्स को बनाते हैं अगर हमने सिंपल करली ब्रेसेस बना दिए लाइक दिस तो जावास्क्रिप्ट इसे स्कोप की तरह कंसीडर करता है ठीक है तो लेट्स सी एन एग्जाम्पल क्विकली सो वी हैव लास्ट नेम हेयर राइट सो लेट्स मूव इट इन ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक ओके तो अब आप देख सकते हैं कि लास्ट नेम इज नॉट डिफाइंड ये लास्ट नेम को ग्लोबली सर्च करने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसका स्कोप अब सिर्फ ये ब्लॉक है ठीक है दीज करली ब्लॉक वेयर वी कैन एक्सेस अ वेरिएबल वेयर वी कैन एक्सेस दिस लेट वेरिएबल डिक्लेरेशन ओके तो हम इस वेरिएबल को जो कि लेट वेरिएबल डिक्लेरेशन से हम लोग ने बनाया है उसको इस ब्लॉक के बाहर नहीं एक्सेस कर सकते क्योंकि ये अब इस रूम के अंदर रिस्ट्रिक्ट होके रह गया है ठीक है इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट है जो कि एक क्लास के अंदर है लेट्स से थर्ड बी में वो स्टूडेंट पढ़ रहा है तो ऑब्वियसली वो उस क्लास में बैठेगा ठीक है और आप उसे ढूंढ रहे हो पूरे स्कूल में तो जाहिर सी बात है आपको उस अगर वो ऑलरेडी क्लास के अंदर बैठा हुआ है तो आपको स्कूल में कहीं नहीं दिखेगा जब आप उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जाओगे तभी वो स्टूडेंट आपको दिखेगा तो अगर हम इसे लॉक करते हैं यहाँ पे तो यू विल गेट द लॉक एज एक्सपेक्टेड ओके सो सेम थिंग इज विद द

क्योंकि इसका स्कोप ब्लॉक है और इट इज ऑलरेडी इन साइड ऑफ अ ब्लॉक ओके तो ये इसका ब्लॉक है यहां पे ही हम इसको सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं इसके बाहर अगर आप एक्सेस करेंगे या तो आपको ये वेरिएबल फिर से बनाना पड़ेगा इस तरीके से लेट मी शो यू इस तरीके से अगर आप इसको फिर से बनाओगे तब आप इसको ग्लोबली एक्सेस कर सकते हो और या फिर आपको कंसोल लॉग ही अंदर लगाना पड़ेगा ठीक है तब जाके आप इसको एक्सेस कर पाओगे ठीक है तो ये हो गए हमारे छोटे से एग्जाम्पल लेट और कॉन्स्ट के कि यह ब्लॉक स्कोप होते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि वैर हमारा जो होता है ग्लोबल स्कोप होता है ठीक है तो देखते हैं कि वैर हमारा ग्लोबल स्कोप है कि नहीं है और देखते हैं पहले कि वैर हमारा ब्लॉक स्कोप है कि नहीं है ठीक है तो हमने इसको यहाँ से कमेंट करते हैं इसको और इसको क्विकली रिमूव करते हैं और यहां पे इसको भी कमेंट करते हैं क्योंकि ठीक है यहां पे हमने वेर को पेस्ट किया ठीक है को हमने ये रिमूव किया अगर यहां पे अब हम लॉग लगाते हैं और यहां पे फर्स्ट इफ यू ट्राई टू एक्सेस तो हमें क्या मिला हमें उस वेरिएबल की वैल्यू मिल गई दैट मीन्स वी आर स्टिल एबल टू एक्सेस दिस वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड विद वेरिएबल डिक्लेरेशन वी कैन एक्सेस इट आउटसाइड ऑफ दिस ब्लॉक स्कोप राइट तो दैट इज वाई मोस्ट ऑफ पीपुल से लाइक इट इज ग्लोबल स्कोप्ड बट दिस इज नॉट द केस लेट मी शो यू द एक्चुअल स्कोप ऑफ दिस वेर वेरिएबल डिक्लेरेशन ओके तो इसका एक्चुअल वेरिएबल इसका एक्चुअल स्कोप है हमारा फंक्शन स्कोप ओके जो वेर वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है हमारी वो फंक्शन स्कोप्ड होती हैं तो क्विकली एक फंक्शन आते हैं टेस्ट ओके okay? अब इस टेस्ट को हमने यहां पे क्विकली कॉल करा दिया ठीक है अब देखते हैं अगर इस वेर वेरिएबल डिक्लेरेशन को एक्चुअली कमेंट कर देते हैं इसको यहां पे, ठीक है यहां पे अगर हम कॉल कराते हैं यहां पे हमने इस वेरिएबल को बनाया ठीक है इस फंक्शन के अंदर हमने इस फंक्शन को भी कॉल कराया उसके बाद हमने आउटसाइड ऑफ दिस फंक्शन हमने इस वेरिएबल को लॉक किया तो हमें एरर मिल रही है फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड ठीक है क्योंकि अब इसका एक्चुअल स्कोप ये पर्टिकुलर फंक्शन है सो वी कैन नॉट एक्सेस दिस वेरिएबल आउटसाइड ऑफ दिस फंक्शन ठीक है तो अगर हम ये कंसोल लॉग इस फंक्शन के अंदर लगाते हैं देन ओनली वी कैन एक्सेस द फर्स्ट नेम्स वैल्यू ओके ये हमारी एरर अभी इसलिए आ रही है क्योंकि हमने बाहर एक लॉक लगा के छोड़ दिया था ठीक है so, सो यहां पे हमारा क्लियर होता है कि जो वेर वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो हमारी फंक्शन स्कोप्ड होती हैं ठीक है थीके? और लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन जो हमारी होती हैं वो हमारी ब्लॉक स्कोप्ड होती हैं सो so, अगर ये करली ब्रेसिस के अंदर हैं तो करली ब्रेसिस जावर स्क्रिप्ट विल थिंक इट इज अ ब्लॉक ठीक है और वो उसको स्कोप की तरह ट्रीट करता है ठीक है सो दैट इज वाई इफ यू क्रिएट सिंपल करली ब्रेसिस जावा स्क्रिप्ट विल थिंक इट इज अ ब्लॉक

where uh, var variable declaration hai, which was already available when the javascript was created okay and where var variable declarations are the function scoped not global scoped guys okay so this is it for this lecture and i'll see you with the next interesting topic till then take care and make sure to subscribe